नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस कांड में 14 सितंबर से लेकर अब तक कई मोड़ आ चुके हैं, लेकिन अभी तक असली तस्वीर सामने नहीं आई है। सच्चाई बहुत हद तक सामने आ सकती है जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपती है। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है और मुमकिन है आज वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए और इसका सही सही जो है न्याय होना चाहिए। इंसाफ की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और मुमकिन है आज ये बात साफ हो जाए कि हाथरस का गुनहगार कौन है। पिछले 7 दिनों में यूपी के 3 आला अधिकारियों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार हाथरस का सच सामने लाने के लिए मशक्कत कर रही है। एसआईटी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज किया, चश्मदीदों से बात की और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। यहाँ पर पीड़िता के परिवार से एसआईटी की टीम ने मुलाकात किया। इसके साथ ही एसआईटी की टीम उस जगह पर भी गई जहाँ पर पीड़िता के शव को जलाया गया था, साथ ही उस जगह पर भी पहुँची जहाँ पर पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। हाथरस में गैंगरेप और हत्या से जुड़ी जानकारियाँ हर रोज बदल रही है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने जांच के दौरान कुछ नए तथ्य ढूंढे। केस के लिहाज से बेहद अहम ये जानकारियां मोबाइल फोन रिकॉर्ड से निकली हैं। पता चला है कि पीड़िता के भाई का मोबाइल फोन उसकी पत्नी यानी पीड़िता की भाभी इस्तेमाल करती थी। इस नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर लगातार बातें हुई। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। बहरहाल एसआईटी तो आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, लेकिन यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जांच अदालत अपने निर्देशन में कराए, लेकिन पीड़ित परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पे फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ सही है, चाहते हैं हम लोग तो, ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हाथरस की सच्चाई क्या है ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इस बीच दोनों पक्ष जोरदार तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है। उम्मीद यही है कि देखो हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय के, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी को न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए, हम एसआईटी की भी जांच का हम बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लड़के देखना निर्दोष छूटेंगे। उन सब की बेटी हमारी बेटी है, लेकिन हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। सारे आरोप दावे और थियरी अपनी जगह है, जांच के बाद कोर्ट में सबूतों की कसौटी पर कसे जाने के बाद ही इनकी सच्चाई तय हो पाएगी। जांच की प्रक्रिया क्या होगी ये कोर्ट को तय करना है। हाथरस से श्वेता सिंह, मौसमी सिंह और दिल्ली से पूनम शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस के निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ या नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने अपने आखिरी बयान में रेप होने की बात कही थी, इसके बावजूद यूपी पुलिस और सरकार रेप की घटना से इनकार कर रही है। आखिर क्या है गैंग रेप का सच? हाथरस पीड़िता के साथ गैंग रेप का सच क्या है? गैंग रेप पर मेडिकल रिपोर्ट में अलग अलग दावे। परिवार का आरोप, बिटिया के साथ हुआ था गैंग रेप। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में सरकार का गैंग रेप से इनकार। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे।
जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए हाथरस की निर्भया ने अपने आखिरी बयान में साफ साफ गैंग रेप होने की बात कही थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपियों का नाम भी लिया था। साथ ही वारदात से पहले भी पीड़िता ने अपने साथ एक बार आरोपियों की तरफ से रेप की कोशिश का जिक्र भी किया था। क्या हुआ, किसने किसने मारा आपको? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे, फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी दस्तान दबा दिया कि मैं तो मना करी सोच से गला दबा दिया। इसके बावजूद हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप की गुत्थी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि परिवार शुरू से बिटिया के साथ गैंगरेप होने की बात कर रहा है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। उधर हाथरस की पीड़िता के साथ गैंगरेप पर जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी अलग अलग दावे किए गए हैं। गैंगरेप को लेकर मेडिकल रिपोर्ट के दावे अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया। 22 सितंबर की मेडिको लीगल के इस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फॉरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद 10 अक्टूबर को हाथरस जिले के सादाबाद पुलिस स्टेशन को दिए गए लेटर में जेएनएमसी ने सैंपल्स की पूरी फॉरेंसिक जांच का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट्स के बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples, hence rape was not committed. उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में शुरू से ही गैंग रेप की बात से इनकार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी सरकार ने अदालत को बताया है कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर पीड़िता के साथ गैंग रेप का सच क्या है? गैंग रेप को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? उम्मीद है कि एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद गैंग रेप की हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। आज तक ब्यूरो। हाथरस के गांव में पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग तेज होती जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से एक सुर में इंसाफ की आवाज उठ रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। हाथरस में हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, वो आवाज है पीड़िता को इंसाफ की। हाथरस के इस गांव में हर कोई यही चाहता है कि हाथरस की निर्भया को न्याय मिले। उसके साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया, उसका सच सामने आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब दलित की हो या ठाकुरी हो, बेटी बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए, क्योंकि इंसाफ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ इंसाफ, हाँ जांच कराइए, जांच हो रही है। हम तो मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान करते हैं, वो जैसा कहे जैसी जांच कराना चाहे वैसी जांच कराए। हाथरस कांड पर शुरू से ही जमकर सियासत हो रही है। एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़िता के घर का दौरा कर रहे हैं और इंसाफ दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। इस बीच इंसाफ की इस लड़ाई को दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन इससे उलट हाथरस के इस गांव में कोई भी जातियों के टकराव को नहीं मानता, न ही इसे 14 तारीख की घटना की वजह मानता है, न ही कोई भेदभाव सीधे तौर पर दिखता है। हर बेटी हरे के लिए बेटी है, अपराधी तो अपराधी है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और जो अपराधी नहीं है अगर वैसे ही लोग फंस रहे हैं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दोनों समुदायों के घर आसपास हैं, कई घरों की दीवारें जुड़ी हैं, मंदिरों में रोक टोक नहीं, जाति के नाम पर संघर्ष नहीं है। हाथरस केस पर जो माहौल बनाया गया, हाथरस के इस गांव की तस्वीर उससे जुदा है। काउ से पूछ लो, कोई अगर ये कह दे कि हमारे साथ भेदभाव है, रत्ती भर कैसा भी हमारा ये एक गांव छोड़ो, हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इनकी बेटी हमारी बेटी, हम शादी विवाह इनका मिलके करते हैं, सब इनकी बेटियों की शादी पूरा गांव मिलके करता है। हाथरस के इस गांव को लेकर भले ही अलग अलग तस्वीर पेश की जा रही हो, लेकिन इस गांव के लोग एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हाथरस की निर्भया को हर सूरत में इंसाफ मिले। हाथरस से मौसमी सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।